रात का समय है, अभी हमारे देश के जवान अपने बेस कैंप्स में आराम कर रहे हैं और इसी वक्त एक टेररिस्ट अटैक हो जाता। दुखद खबर, हमारे सभी जवान उस टेररिस्ट अटैक में मारे गए और एक भी न बच पाया। जग्गी ये देख, तूने इसकी प्रोफाइल देखी कितनी अच्छी है। हाँ मैंने इसकी प्रोफाइल देखी, अच्छी है हाँ इसकी प्रोफाइल। अभी जो आपने देखा वो एक बहुत ही दुखद कथा थी और हमारी ऐसी लड़कियां न जाने कितने कितनी कितनी परेशान की जाती होंगी। इस 21st सेंचुरी में भी हमारी लड़कियों को कोई सम्मान नहीं मिलता और हम लोग उनकी मदद करने के बजाय सिर्फ उनके फोटोज और वीडियोस निकालते हैं। क्यों? सोशल मीडिया पे फेमस जो होना है ना। अफसोस। स्टेजू पर मेरा जाओ, ये सीन ले बांटो जाओ। हाँ बाजू सोशल मीडिया पे देखा क्या ना, हम टेररिस्ट ट्रैप ने इंडियन सोल्जर पे अटैक किया और एक भी सोल्जर नहीं बचा। अरे हाँ, कल तुझे पता है कल एक लड़की पे एसिड अटैक भी हुआ था। क्या देखो मेरा नया फोन है, चलो सेल्फी लेते हैं। कड़वा है लेकिन यही सच है। आजकल हमारे लोगों का यही हाल हो गया है, हम अगर कोई भी ऐसी सनसनीखेज खबर सुनते हैं तो बस उसका 2 सेकंड अफसोस मनाकर उसको छोड़ देते हैं। लेकिन हमें इस छोटी सी स्क्रिप्ट से यही मॉरल लेना है कि हमें ऐसा नहीं करना है। अगर कोई सी दुखद खबर हो तो हमें उस पर चर्चा करनी है, उस पर विचार करना है और अपना कदम बढ़ाना है। अगर आप एक कदम बढ़ाएं तो शायद उन वीरों को शांति मिल जाए जो शहीद हुए आपके लिए, ना सोचा अपने बारे में, जो जान पर खेल गए आपके लिए, ना सोचा अपने परिवार के बारे में, और उन लड़कियों को अपनी सम्मान मिल जाए जो इतने परेशान की जाती है, जो ऐसे एसिड अटैक से गुजरती है। क्योंकि सालों से चली आ रही थी यही प्रथा कि लड़कियां ना पढ़े, उसे तो बदल दिया लेकिन इफ गर्ल्स आर नॉट सेफ तो कैसे देश आगे बढ़े। अकेले सड़कों पे जाने से क्यों डरती है लड़कियां? सोचा क्या कभी अगर हम उस लड़कियों को बना ले अपनी बहन तो वो किसी से ना डरे। बचाएंगे लड़कियां, पढ़ाएंगे बेटियां, यही सोच अगर सब धारण कर ले तो देश और लड़कियां आगे बढ़े, आगे ही बढ़े। थैंक यू।